पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से देखते रहिए एसटीवी न्यूज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गढ़वी यादव को समेटे परिवार के पास वापस लौटी जिया, पपला गुर्जर की हकीकत मालूम नहीं होने का किया दावा। हाई कोर्ट से जमानत के बाद अलवर जेल से मिली रिहाई। और वेतन नहीं मिलने के विरोध में संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, सरकारी अस्पतालों में चरमराई सफाई व्यवस्था। कार में तोड़फोड़ कर युवाओं पर किया हमला, आपसी विवाद के चलते स्कीम दो में सामने आई घटना, पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुए हमलावर। सेना भर्ती की प्रैक्टिस करने वाले युवाओं ने गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां, राजऋषि कॉलेज ग्राउंड पर रोजाना लग रहा है जमावड़ा, सोशल डिस्टेंस और मास्क हुए नदारद। कोरोना कंट्रोल को लेकर प्रशासन की सख्त कार्यवाही से भड़के दुकानदार, सीज दुकानों को खोलने की उठाई मांग, मन्नी का बड़ पर बंद रखे गए प्रतिष्ठान। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को नीचे लाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं इससे परेशान दुकानदार व्यापार महासंघ के बैनर तले गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल प्रशासन ने मन्नी का बड़ सहित शहर में 7 दुकानों को सीज कर दिया था। इनमें पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें भी शामिल थी। इसके खिलाफ इन दुकानदारों ने गुरुवार को अपने प्रतिष्ठान बंद भी रखे। शहर के बाजारों में दुकानों पर भीड़ जमा होने की वजह से प्रशासन ने बुधवार शाम 7 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। एसडीएम योगेश डागुर द्वारा कार्यवाही मन्नी का बड़ से शुरू की गई। यहां पुस्तकों की 3 दुकानों के अलावा 1 सोडा शॉप को भी सीज किया गया। वहीं स्कीम नंबर 2 में भी 3 फास्ट फूड की शॉप सीज की गई। उधर मन्नी का बड़ स्थित पुस्तक बाजार में 3 दुकानों को सीज किए जाने के चलते पुस्तक विक्रेताओं में आक्रोश देखा गया। गुरुवार को सुबह इन विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रकट किया। बाद में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। रात को 7:30 बजे बाद अचानक दुकानों को सीजिंग की कार्रवाई की, इसके विरोध में हमारा आज बंद का है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, हमारी दुकान पे इतने 50 आदमी 40 आदमी नहीं रहते, 2-1 आदमी खड़े रहते हैं, कस्टमर है ये, तो दुकान हमारी है तो आएंगे कस्टमर, तो आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कोई बिना मास्क है तो उसके आप रसीद काटिए, इस तरह से आप काम करिए जिससे कि हमारा नुकसान ना हो। आप 72 घंटे का बंद कर दो, हम रोटी रोजी का हमारा नुकसान हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे खाने के लिए, कहाँ कमाएंगे, क्या करेंगे। प्रशासन को देखना चाहिए, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे उनमें आपस में समन्वय में बैठा रहे और इस तरह की कार्रवाई बार बार ना करे प्रशासन। इस मौके पर मौजूद अलवर जिला व्यापार महासंघ जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि शहर में प्रशासन द्वारा दुकानों के बाहर भीड़ बताकर 7 दुकानों को सीज कर दिया, जबकि व्यापारियों ने हमेशा से ही शासन और प्रशासन का साथ दिया है। उनका कहना यह भी था कि दुकानों के बाहर ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं लगाने या अन्य बातों की जिम्मेदारी विक्रेता पर डालना उचित नहीं। जुनेजा ने बताया कि सीज दुकानें फिर से शुरू करने की मांग पर जिला कलेक्टर ने गौर करने का आश्वासन दिया है। कल अलवर जिला प्रशासन द्वारा, एसडीएम डागुर साहब द्वारा, कमिश्नर नगर परिषद सोन सिंह मधुका द्वारा जो दुकानें सीज की गई थी उसके मध्य आज अलवर जिला व्यापार महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में साफ तौर से कहा गया है कि जो दुकानें सीज की गई हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से की गई हैं, क्योंकि दुकानदारों ने ऑलरेडी मास्क लगा रखा था। अगर ग्राहक के पास मास्क नहीं है तो आप मास्क लगा कर चालान काटिए। ये थोड़ी है कि आप 5 ग्राहक खड़े हैं, 7 ग्राहक खड़े हैं, साथ भीड़ हो गई। आज रैलियां निकल रही हैं नेताओं की, लाखों में, हजारों में। वहाँ कोरोना नहीं है क्या? क्या दुकान के ऊपर 5 ग्राहक है, वहाँ कोरोना आ गया? तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। व्यापारियों में भारी रोष है। जो दुकानें सील की गई वो बहुत गलत तरीके से की गई हैं।
और जिला प्रशासन के साथ हमेशा व्यापार महासंघ के साथ रहा है। पूरे कोरोना काल में पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया। पूरे व्यापार महासंघ द्वारा, सभी व्यापारियों द्वारा, सभी संस्थाओं द्वारा पिछले साल आपने देखा सरकार के कितने राशन बाद में आई, पहले व्यापार संघ ने चालू कर दी थी, व्यापारी द्वारा चालू कर दी गई थी। कलेक्टर साहब की एक मीटिंग के ऊपर सारे व्यापारियों ने सहयोग किया था, उसके बाद ही व्यापारी को पीछे जा रहे हैं। और फिर कोरोना है जो ठेके पे शराब के ठेके दुकान सामने लाइन लगती है, 50-50 ग्राहक खड़े होते हैं एक साथ, उनको सील क्यों नहीं करते? कि कानून अलग अलग बना है, कानून देश के लिए शहर के लिए एक है, अलग अलग कानून नहीं है, इसकी हम गौर निंदा करते हैं। और हमने कलेक्टर साहब से मांग की है शीघ्र आज दुकानें खोल दी जाएँ। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, बात करके आपस में चर्चा करके कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और दुकानें खुलवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कुल मिलाकर महामारी पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्यवाही तो जरूरी है, लेकिन पहले से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन को तालमेल भी रखना होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही खेड़ली कस्बे में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन द्वारा 3 दुकानों को सीज कर दिया है। बुधवार की शाम इन दुकानों के आगे भीड़ मिली थी, साथ ही मास्क लगाने की पालना भी नहीं की जा रही थी। इस पर उपखंड अधिकारी अनिल सिंघल द्वारा कस्बे के हिंडोन रोड पर स्थित श्याम मिष्ठान भंडार, शेरावाली चौराहा स्थित अग्रवाल मेडिकल स्टोर और लोहिया शॉप को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी किंगपाल सिंह भी मौजूद रहे। कार्रवाई की है सर, किसके नेतृत्व में कार्रवाई की है? आज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय कटुमर के साथ में ये नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें कि सीएम साहब द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जो भी अगर दुकानों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानों को सील कर दिया जाए। ये दुकानें 3 दिन तक सील रहेंगी। उधर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने तमाम महकमों के अधिकारियों को गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए। जिला परिषद में गुरुवार दोपहर अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार नाइट कर्फ्यू सहित अन्य प्रावधानों की कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन, सैंपलिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए। देखिए, आप लोगों की जानकारी में होगा कि हमारी मीटिंग पहले से डिसाइडेड थी, संभागीय आयुक्त महोदय ने मीटिंग रखी थी, उनका स्थानांतरण होने के कारण से वो नहीं आ पाए, पर हमने मीटिंग जारी रखी क्योंकि हमारा एक्चुअली माननीय मुख्य सचिव महोदय हर विभाग को रिव्यू करने के लिए एक बीसी रखते हैं और हमें भी आगामी 20 तारीख को कुछ इश्यूज पर बीसी रखनी थी, उनकी बीसी है तो उसकी तैयारी कर ली हमने। इसी के साथ साथ हमने कोरोना महामारी की प्लानिंग कर ली और हम सबकी जानकारी में है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राज्य सरकार ने फ्लेक्सिप योजना के रूप में चलाई है। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कल इस योजना को रिव्यू किया और पाया कि इसमें प्रगति अभी बहुत अच्छी नहीं है। आज हमने सभी डीएलओ से मीटिंग की है, इसमें डीएलओ से रिलेटेड एक बिंदु था कि जो संविदा कार्मिक हैं उनका भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होना है, तो सभी जो हमारे कार्यालय अध्यक्ष हैं, जो विभाग के हेड हैं यहाँ, वो अपने लॉगिन आईडी से सभी का पंजीयन कर देंगे। हमने इनको 3 दिन का समय दिया है, बाकी के लिए हमने एक अलग से पीसी आयोजित और की है, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी 21-22 का बजट पेश किया है, बजट की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए इस मीटिंग में चर्चा की। हमारे संपर्क वाले मैटर्स हैं, समाधान वाले मैटर्स हैं, सतर्कता वाले जो मामले हैं, बिजली पानी और अन्य सभी विभागों की जो कार्य योजनाएँ उनको आज हमने रिव्यू किया है और ये कि रूटीन प्रक्रिया है, रिव्यू करते करते हमें इन चीज़ों को समय पर लक्ष्य अर्जित करने हैं। तो आज की मीटिंग हमारी अच्छी रही है और निश्चित रूप से इससे हमारी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और कोविड वाली जो हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे हमको बड़ी सहायता से मतलब सहयोग मिलेगा और हम इसमें काफ़ी अच्छे प्रगति कर पाएंगे। प्रदेश भर के साथ अलवर जिले में भी पहले के मुकाबले रोजाना कई गुना अधिक कोरोना रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू सहित तमाम उपाय प्रशासन ने किए हैं, लेकिन इसके बाद भी कई जगह गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शहर के आरआर कॉलेज ग्राउंड पर
सेना भर्ती दौड़ का अभ्यास करते सैकड़ों युवाओं ने भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे। अलवर में बढ़ते कोरोना ग्राफ का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां जनवरी माह में 49,000 नमूनों की जांच में 348 पॉजिटिव केस सामने आए थे, वहीं अप्रैल के शुरुआती 7 दिनों में सिर्फ 9500 सैंपलों की जांच में 397 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए रोजाना करीब 2000 सैंपल लिए जा रहे हैं। सरकार हो या फिर प्रशासन, सभी का जोर कोरोना कंट्रोल पर है। इसी कड़ी में अलवर में शाम 8 बजे बाद कर्फ्यू सहित अन्य कदम उठाए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार जिम और स्विमिंग पूल ही नहीं पार्कों में भी आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन अब भी कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन देखा जा रहा है। इन्हीं में शामिल है आरआर कॉलेज का खेल मैदान। यहां रोजाना सुबह शाम 1000 से अधिक युवा दौड़ लगाते हुए नजर आ जाते हैं। इनमें से कई खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अधिकांश युवा वे हैं जो सेना भर्ती रैली के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इनसे संबंधित अकेडमियों के संचालक युवाओं को दौड़ के लिए आरआर कॉलेज ग्राउंड ले जाते हैं, लेकिन ना तो इनसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है और ना ही मास्क की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसके चलते युवाओं के इतने बड़े जमावड़े में संक्रमण का अंदेशा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैदान पर बिना किसी सावधानी के यह सिलसिला जारी है। वहीं कोरोना नियंत्रण पर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया का कहना है कि हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। इसी दिशा में दुकानों को सीज करने जैसी कार्यवाही की गई है। अलवर के आम नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना की जो द्वितीय लहर अभी शुरू हुई है, उससे हमको सावधान रहना है। राज्य सरकार के द्वारा जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी पालना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी बनानी है और मास्क जरूर लगाना है। मास्क लगाने से हमारी काफ़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। हम सबकी जानकारी में है कि 45 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगों को राज्य सरकार निःशुल्क टीकाकरण कर रही है। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा उत्साह है। हमारे यहाँ कल भी 28,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, पर ये अभी काफ़ी नहीं है। हमें इस वैक्सीनेशन को कम से कम 40,000 और 50,000 पर डे पे ले जाना है। अब राज्य सरकार ने एक हमको छूट और दे दी है कि किसी भी कार्यालय में, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कहीं भी 100 और 100 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो हम उनके वहीं ऑफिस में जाकर के, उनके इंडस्ट्री में, यूनिट में जाकर के वहाँ टीकाकरण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बाद में हमारे और अच्छा इजाफा होगा। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हमने चौकसी बरते हुए उसको और सख्त किया जाएगा। कुल मिलाकर आरआर कॉलेज मैदान हो या फिर शहर के बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थान, यदि संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगानी है तो सख्ती के साथ ही जागरूकता भी दिखानी होगी। शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित खन्ना स्कूल के समीप कुछ अज्ञात लोगों ने फॉर्च्यूनर कार में बैठे युवकों पर हमला कर दिया, साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। गुरुवार दोपहर हुई इस घटना के बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। इस दौरान युवक फरार हो चुके थे। उधर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से स्कीम नंबर 2 में झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर राठनगर निवासी परमीत चिल्लर नामक युवक मिला। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने साथियों के साथ स्कीम 2 में खन्ना स्कूल के समीप से जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के अकरम और जावेद सहित करीब 1 दर्जन युवकों ने हमला कर दिया। कोतवाल के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। स्कीम 2 में झगड़े की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी। इस पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ एक फॉर्चुनर गाड़ी हरियाणा नंबर की थी, उसमें तोड़फोड़ की हुई थी और मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम परमीत छिल्लर बताया है। इसने बताया कि ये और इसके कुछ साथी स्कीम नंबर 2 में खन्ना स्कूल के पास गए थे, तो वहाँ दूसरा पक्ष जो है वो उनके कुछ नाम हैं, तो उन लोगों ने आके इन पर हमला कर दिया, मारपीट की इनके साथ में, जिससे कुछ लोगों के चोटें आई है और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। कोई पुरानी रंजिश कुछ बता रहे हैं? ये अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि इनके क्या कोई पुरानी रंजिश है या और कोई मामला है। तो अभी फिलहाल जो है इस घटना के संबंध में परमीत सिंह द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया। मेन आदमी कौन है इसमें सर, जिसने झगड़ा किया है?
ये अनुसंधान से स्पष्ट होगा क्योंकि अभी आरोपी पक्ष हमारे पास नहीं है। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में गुरुवार को संविदा कर्मियों ने काम ठप कर दिया। सामान्य चिकित्सालय, महिला और शिशु अस्पताल के यह कर्मचारी ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिए जाने के चलते आक्रोश में थे। तीनों अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कार्य का बहिष्कार कर वेतन देने की मांग उठाई। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष धनी राम ने बताया कि फरवरी माह की 14 दिन की रुकी हुई तनख्वाह को जारी कर दी गई, लेकिन ठेकेदार ने एक माह का वेतन अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वेतन नहीं मिलने तक काम बंद रखा जाएगा। हड़ताल तो की नहीं, काम बहिष्कार किया है हमने और ये सैलरी नहीं डल रही है। नया ठेकेदार आया है, जब से ये ठेकेदार आया है इसकी हर महीने यही कहानी है। 1.5 महीना हो गया सैलरी नहीं डालता, आज डाल दूंगा कल डाल दूंगा, 6 तारीख का नियम लिखा पड़ा उसमें 14 दिनों में उसमें कम डाली है। 14 दिन की जो सैलरी डाली है इसने उसमें भी बहुत ही कम डाली, किसी की 500 किसी की 6। हाँ, अब क्या मांग है आपकी? मांग सैलरी डाल देंगे, काम पे चले जाएंगे, सैलरी डाले सबकी। कितने ऐसे लोग हैं? वार्ड बॉय हैं, गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, किसी की सैलरी नहीं, किसी की नहीं डाली। क्या कह रहा है? अगर नेतागिरी करी तो FIR लॉज करवा दूंगा, बंद करवा। हाँ, धमकी देता है। PMO साहब को अवगत कराया? PMO साहब को अभी अवगत नहीं कराया, PMO साहब कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे जब उनको अवगत कराएंगे। अच्छा, तो जब तक काम कब तक बहिष्कार रहेगा? जब तक सैलरी नहीं आएगी। कौन सी एजेंसी है आपकी? रक्षक सेक्रेटरी है। और अब बात करते हैं पपला गुर्जर की साथी जिया की। जिया फिलहाल जेल से बाहर आ चुकी है, उसकी जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। इसके बाद जिया को अलवर जेल से रिहा कर दिया गया। वही जिया का दावा है कि वह पपला की हकीकत से वाकिफ नहीं थी। गैंगस्टर पपला गुर्जर की महिला मित्र जिया को करीब 2 माह बाद आखिर जमानत मिल गई। अलवर की जेल में 4 फरवरी से बंद जिया की जमानत याचिका को हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद बुधवार की शाम करीब 7 बजे जिया को अलवर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही जिया ने कहा कि वह धोखे की शिकार हो गई थी। पपला उसे मानसिंह नाम से मिला था और जिया को आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी मालूम नहीं था। जिया का कहना है कि जेल में रहने के दौरान उसने रामायण पढ़ी और इसके जरिए सीखा कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं उसको मानसिंह के नाम से जानती थी। मैं उसी उसने एक अलग इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे की थी जो कम्प्लीटली ऑपोजिट मुझे अभी दिखा है उसके बारे में। अदरवाइज मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ? हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं था ऐसे कहा था उसने। पढ़ा लिखा नहीं था और दिल्ली में रहता था, ऐसी सब बात बताई थी। कभी राजस्थान का जिक्र भी नहीं था। आप उसकी जिक्र नहीं थी? थी, फैन थी मैं उसकी। लगातार ये कहा गया कि आप गर्लफ्रेंड थी और पैसा ट्रांसफर किया गया? नहीं। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस ने पपला गुर्जर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जिया सिकलीकर के साथ उसके फ्लैट से 27 जनवरी की देर रात को गिरफ्तार किया था। 7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद जिया को 4 फरवरी को अलवर जेल भेज दिया था। वहीं पपला गुर्जर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। उधर जिया की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट जज महेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी मुलजिम के साथ रहता है तो वह खुद मुलजिम नहीं हो जाता। हाईकोर्ट ने पुलिस के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जिया ने पपला का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में सहायता की थी। वहीं जिया की तरफ से पेश हुए वकील महेश गुप्ता और अंकित गर्ग ने बताया कि पपला ने जिया को खुद के बिजनेसमैन होने की जानकारी दी थी। उसने मकान मालिक को भी गलत जानकारी दी थी और मानसिंह नाम से अपना आधार कार्ड बनवाया हुआ था। सर, हमें मालूम था कि जिया पहले दिन से ही इनोसेंट है और उसको एक गलत उसमें फंसाया गया है। ये जानकारी जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार तो मैंने जिया से मुलाकात हुई, उससे मैंने जानकारी ली तो उसने कहा कि मुझे गलत फंसाया गया है। मैं एज अ जिम ट्रेनर कोल्हापुर में काम करती हूँ और पपला गुर्जर जो कि मेरे को जो नाम पता था मानसिंह और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और दिल्ली में उसका कुछ बिजनेस है, इस तरह का उसने अपना बताया गया था पूरा पर्सनैलिटी। और इस तरह से ही क्योंकि मुस्लिम गर्ल है जिया और उसकी एक शादी होके तलाक हो चुका है, अकेले रह रही थी काफ़ी सालों से,
कुछ टाइम जब उसके साथ एज ए मतलब जिम ट्रेनर वो रही तो एक अट्रैक्शन उसके साथ हुआ और उसने सोचा कि ये एक सही व्यक्ति है जिसके साथ मैं जीवन यापन कर सकती हूँ आगे फ्यूचर में। इसी कारण से क्योंकि उसने एक अपने आप को एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बताई थी, उसको एक वादा किया था कि मैं तुम्हें एक जिम खुलवा के दूंगा, तो वो उस साल उस मतलब उसमें फंस गई और उसने सोचा कि मैं आगे फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसको मालूम ही ये था कि ये मानसिंह है। अच्छा, पपला गुर्जर जहाँ रह रहा था उस मकान मालिक को भी उसने यह बताया था कि ये उद्धव सिंह है, मैं उद्धव सिंह हूँ और मेरे को मानसिंह के नाम से जानते हैं, सब लोग बोलते हैं। मानसिंह नाम इसलिए बताया था कि एक मानसिंह के नाम से एक रॉयल नाम समझ में आता है जी। और मेरे पास जो चार्जशीट आई उसमें 161 के भी बयान हैं आस पड़ोस के, उसमें भी यही बताया है कि कोई भी व्यक्ति उसको उद्धव सिंह और मानसिंह के नाम से ही जानता है जी। क्योंकि लॉकडाउन था, वो दिल्ली से, उसने बताया मैं दिल्ली से कोल्हापुर आया और मैं लॉकडाउन में फंस गया, इसी वजह से मेरे को यहाँ पे रहना पड़ा। 161 के बयान है इसके भाई के, उससे पूछा गया है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो उसने बताया है कि ये अपनी सेहत बनाने आए थे और आपने देखा भी होगा इतने दिनों में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो एक मतलब पहलवानी करने का उसको शौक था। तो इसको जमानत मिल चुकी है, आगे प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बाद क्या जिया को फिर बुलाया जाएगा? हाँ, 19 तारीख की इसकी डेट है, 19 को ये दोबारा पेश होगी ट्रायल कोर्ट में जी, और इसका ट्रायल चलेगा अभी और हम कोशिश करेंगे कि इस पर कोई चार्ज नहीं बने। मुख्य रूप से पुलिस ने किन किन धाराओं में इनके खिलाफ मामला? सर, इसमें कुछ भी नहीं है, 471 लगाई है जो इसमें मतलब एक ट्रेस पासिंग का होता है। बट अभी कोर्ट ने ये कहा कि भाई, कोर्ट ने कहा कि मुजरिम के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है या मिलता है तो वो मुजरिम नहीं कहलाता है, इसी आधार पे बेल दी गई है हाईकोर्ट। उल्लेखनीय है कि जिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिम ट्रेनर है और महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली है। पपला फरारी के दौरान कोल्हापुर में जिम पर जाया करता था, जहां उसकी जिया से नजदीकियां बढ़ी। पपला ने उसे अलग से जिम खुलवाने का झांसा भी दिया था। जिया तलाकशुदा महिला है और उसकी शादी भोपाल के नवाब परिवार में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वह अपने पति से अलग रहने लगी थी। जिया के पिता डॉक्टर हैं और उसकी एक छोटी बहन भी है। फिलहाल कड़वी यादों को समेटे हुए जिया अपने परिवार के साथ वापस लौट गई है। अलवर शहर में पुराना सूचना केंद्र की काया पलट का काम जारी है। यहां करीब 2.5 दशकों से रखा कबाड़ ऑनलाइन टेंडर के जरिए बेच दिया गया है। इससे 7 लाख रुपए की राजस्व भी मिली है, साथ ही खाली पड़ी हुई जमीन पर हरा भरा बगीचा भी लगाया गया है। इसका जायजा लेने गुरुवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया यहां पहुंचे। उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उनके साथ सभापति बीना गुप्ता, एसडीएम योगेश डागुर, आयुक्त सोहन सिंह नरुका भी थे। जिला कलेक्टर ने यहां पौधे भी रोपे। कुछ लोग जो शहर के गणमान्य लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन्होंने शहर के कबाड़े के संबंध में सभापति महोदया को और हमारे सम्माननीय संभागीय आयुक्त महोदय समय शर्मा जी को ये बताया था कि साहब शहर के अंदर है, स्वच्छ जगह है, कबाड़े के कारण से ये बेकार हो रही है। इसका एक संदेश अच्छा नहीं जा रहा था। कमिश्नर साहब ने मीटिंग में डायरेक्शंस दिए थे कि अगली मीटिंग से पहले ही अपने को साफ करना चाहिए। मैं सभापति महोदया और श्री हमारे सोन सिंह जी नरुका, जो कमिश्नर नगर परिषद हैं, मैं इनको बधाई और थैंक्स देना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले 25 साल के कबाड़े को साफ करके इस जगह को भव्य और सुंदर बना दिया है। लॉन डेवलप कर रहे हैं और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हुआ है, इससे मेरा ही नहीं बल्कि सभी का मन बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित हुआ है। और जब चीज़ें सुंदर और स्वच्छ होती हैं तो वो मन को भी भाती हैं और शहर के लिए भी वो लाभदायक हैं। ये हमारा जो स्थान है ये बहुत ही रमणीय हो गया है और आज इसके माध्यम से पानी और पर्यावरण, ये दो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। जो नेहरू उद्यान का पौधारोपण करके यहाँ कबाड़ को हटाया गया है, मैं इसके पहले 25 साल से इस जगह को, इतनी सुंदर जगह है हमारी ये नगर परिषद की, इसको यहाँ से कबाड़ा बना दिया था 25 साल से ऐसा कबाड़ा बना रखा था कि यहाँ रोज सांप निकलते थे। अधिकारी भी रहते हैं, उनके क्वार्टरों में सांप घुस जाते थे। तो मैं जब से बैठी थी 1.5 साल पहले, तब शुरुआत में मैंने इस कबाड़े को हटाने का निर्णय लिया था कि मुझे इस जगह को पहले की तरह सौंदर्यकरण बनाना है और यहाँ पार्क लगाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं और धूप लगानी है, और वैसे जैसे पहले सुंदर था ऐसा ही सौंदर्यकरण इसका करना है।
बीच में हो नहीं पाया, लेकिन आज जैसे मैंने आयुक्त साहब को कहा, सोन सिंह नरुका जी को, उन्होंने मेरे से कहा मीटिंग करते हैं कलेक्टर साहब से और आगे DDR मैडम से, उनसे लेके बात एक समिति बनाई और इस कबाड़े को पहले भी उठाने की कई बार कोशिश की, नहीं उठ पाया, लेकिन आयुक्त साहब ने अपनी मेहनत से इस कबाड़े को ऊपर से लेके परमिशन और 5 आदमियों की कमेटी बना के आज इस कबाड़े को हटाया है। ये शहर के लिए अति खुशी की बात है, होनी चाहिए, क्योंकि कबाड़ा इस ऐसी सुंदर जगह पे 20-25 साल से कबाड़ा जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं था और इस जगह को सौंदर्यकरण बना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ नेहरू जी की भी तस्वीर वो लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, फिर भी लोगों को ये नहीं दिखा यहाँ किस तरह से कबाड़ा जोड़ा था। और इस कबाड़े को हटाने का आज जो मेहनत हमारी नगर परिषद की टीम ने की है, हमारे आयुक्त साहब ने की है, ये इतने बधाई के पात्र हैं। सदर थाना क्षेत्र के तहत बुर्जा के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, इसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव का सामान्य चिकित्सालय में गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। ऐसे ही रूपचंद ने बताया कि मृतक धर्मेंद्र सिंह राजगढ़ का रहने वाला था और अपने कार्य से अलवर शहर आता था। वापिस गांव लौटते समय वह दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं पुलिस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। का धर्मेंद्र सिंह पुत्र श्री मगन सिंह, उम्र 45 साल, जाति राजपूत, निवासी राजगढ़। ये अलवर से शाम को काम करके अपने घर जा रहा था। समय करीब 7:45 बजे अपने बुर्जा हवेली के आसपास को एक्सीडेंट से दुर्घटना में मौत हुई है। कौन से वो गाड़ी में टक्कर मारी है, कुछ पता नहीं? अभी मुझे नहीं पता, रात वालों को उससे मालूम लगेगा। रात में जो डी था, मैं तो पोस्टमार्टम कराने के लिए आया था। अलवर में क्या काम करता है ये? अलवर में किसी दुकान पे काम करता है, दुकान पे काम करने आता है, पिछले 2 साल से करीब यहीं आता है। हाँ, शाम को घर जा रहा था काम करके। पोस्टमार्टम करा के परिजनों की लाश सुपुर्द कर दिए, बाद पंचायत नाम PMR। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की खासी आवक के बावजूद दामों में तेजी का रुख बना हुआ है। स्थानीय मंडी में सरसों के 25,000 कट्टों की प्रतिदिन आवक हो रही है, जबकि भाव 5,850 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर सिर्फ 4,650 रुपए क्विंटल के दाम मिल रहे हैं। इसके चलते किसान सरकारी की बजाय व्यापारियों को अपनी सरसों बेचने में लगे हैं। उधर मंडी व्यापारी रामोतर गुप्ता ने बताया कि सरसों के भाव बढ़ने का मुख्य कारण कोरोना है, क्योंकि इस वजह से माल निर्यात नहीं हो पा रहा, इसके चलते विदेशों में भी सरसों के भाव बढ़े हैं। वहीं स्थानीय मंडियों में भी विदेशी दरों के हिसाब से दाम तय होते हैं। मंडी में गेहूं बिक रहे हैं 1720 से लेकर 1735 तक। आमद है, कल थी आमद हमारे 5,000 कट्टे की और आज आमद हो गई 3,000 कट्टे की। सरकारी खरीद क्या है? सरकारी खरीद का भाव है 1925 रुपये, लेकिन कुछ जमींदारों को अब थोड़ा वो हो गया है, आमद इसलिए घटी है कि वो लो बाग में फ़र्क हो गया। हमारे मंडी गेहूँ बिक रहे हैं 1730-35 रुपये, ये लगा लो, और गवर्नमेंट रेट है 1925 रुपये, फ़र्क तो है। अब ये जहाँ जहाँ केंद्र गवर्नमेंट ये भी करिए कांटे लगे हैं कांटे, इसलिए आमद गेहूँ की बढ़ेगी नहीं आमद। इसके विपरीत सरसों के भाव की बात करें तो सरकारी खरीद से ज़्यादा यहाँ बिक रहा है। सरसों की खरीद की ऐसी बात है, गवर्नमेंट की रेट है, सरकारी खरीद है 4650, या हमारे मंडी के भाव हैं 5,850-42 कंडीशन के। अब सरकारी खरीद तो कोई होने का मतलब नहीं है, क्यों? पहली बात तो ये है कि मतलब सरकारी खरीद पे कौन जाएगा? कोई जाएगा नहीं, 1,000 का फ़र्क है सीधा, 1,000-1,200 का, इसलिए सरसों गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं। हाँ, गेहूँ है, गेहूँ गवर्नमेंट तुलेगी, ये पता नहीं गवर्नमेंट ने कहाँ का केंद्र पे माल तुलेगा। आमद कितनी है सरसों की? सरसों की आमद हमारे मंडी मान लो कल भी थी 20,000-22,000 कट्टे, आज भी 20,000-25,000 के बीच में कट्टे की आमद है। शहर के अनेक इलाकों में पानी की समस्या है, लेकिन कई जगह अवैध कनेक्शन भी जल संकट की वजह बन रहे हैं। इन्हीं में शामिल है वार्ड नंबर 15, जहां के वाशिंदे स्थानीय पार्षद कैलाश कोहली के साथ मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने अधिशासी अधिकारी JP मीणा को ज्ञापन सौंपकर राइजिंग लाइन में हो रहे अवैध कनेक्शन को कटवाने की मांग सामने रखी। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि वार्ड में टंकियां नहीं भरने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए उन्होंने मांग की है कि राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शनों को हटाया जाए, साथ ही दारूकुटा मोहल्ले में पानी की टंकी को भरा जाए, जिससे घरों में पानी की आपूर्ति सुचारू हो सके। मैं कैलाश कोहली वार्ड नंबर 15 से पार्षद हूँ। क्यों हमारी पानी की टंकियाँ भरी नहीं रही और वो दिक्कत आ रही है, जैसे रोड नंबर 2 से पानी की जो अवैध राइजिंग से कनेक्शन है ना, उनको काटा जाए।
ऐसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, उनको जल्दी से जल्दी काटा जाए, जो पानी की फिजूल बर्बादी होती है राइजिंगों के द्वारा वो रोकी जाए। तो मेरा तो निवेदन ये है कि हमारे वार्ड नंबर 15 में रत्ती का कुआ मेन है, जहाँ छोटी छोटी गलियाँ है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, उन लोगों को कम से कम आधा घंटा पानी मिले, जहाँ टैंकर भी नहीं उपलब्ध हो पाता, टैंकर नहीं पहुँच पाता वहाँ पर, तो दारूकोटे टंकी की सप्लाई आधा घंटा करी जाए रत्ती कुएं पे, और हरिजन बस्ती मोहल्ला खदाना ये लोग पानी के लिए दुखी है, तो इनका राइजिंग से कनेक्शन काट के नहीं सप्लाई लाइन से पानी उपलब्ध कराया जाए। तो मेरा प्रशासन जलदाय विभाग से इतना ही है कि जितने भी राइजिंग के अवैध कनेक्शन हैं उनको काट दिया जाए और सप्लाई लाइन से पानी उपलब्ध किया जाए। अलवर के मंगलपुरे मैरिज होम में आयोजित किन्नर समाज के कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश देखी गई। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के किन्नरों ने शिरकत की, साथ ही बेटी लेने की रस्म सहित चाक पूजन और कलश यात्रा आदि कई कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में जयपुर की किन्नर लैला ने मथुरा की सोनम को बेटी के रूप में गोद लेने की रस्मों को पूरा किया। इस दौरान मंगल गीत गाए और जमकर नोटों की बारिश हुई, साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी भेंट किए गए। गौरतलब है कि समारोह के दौरान शहर में नाचते गाते किन्नरों ने शोभा यात्रा भी निकाली थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। हमारे सम्मेलन है और देश के लिए प्रजा के लिए हम दुआ मांगते करुणा दूर होवे, और आज हमारे चाक बात है, मैं जयपुर से गोरी रेखा बोल रही हूँ नायक, और ये हम देश के लिए हमारे सब भाइयों के लिए दुआ कर रहे हैं, और हमारे भंडारा है और ये सम्मेलन हमारे बुजुर्गों के याद में करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रेखा भाई, जयपुर से चांदपोल से। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने देश में जल्द ही आबादी नियंत्रण कानून बनाने पर जोर दिया है। अलवर में गुरुवार को पुरुषार्थी धर्मशाला में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं आहूजा का कहना था कि राष्ट्रद्रोही लोग हम दो हमारे 20 के सिद्धांत चलाते हुए जनसंख्या असंतुलन पैदा कर रहे हैं। इसके चलते 2 बच्चों का कानून सभी पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। आज का अपना यह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन संगठन के अंतर्गत हो रहा कार्यक्रम, देश में जनसंख्या का असंतुलन है, और असंतुलन है किन में? एक तो राष्ट्रभक्त लोगों में, एक राष्ट्रद्रोहियों में। राष्ट्रद्रोही लोग, मलेच्छ लोग अपनी जनसंख्या हम दो और हमारे 20, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं देश के लिए सोचते हैं वो हम दो और हमारे 2 का ही और परिवार लेकर चलते हैं। असंतुलन इसलिए भी बिगड़ रहा है कि वो दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं भारत को, वो भारत को बनाना चाहते हैं ईरान और इराक की तरह, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह। हम राष्ट्रभक्त लोगों ने तय किया जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अंतर्गत इस देश में 2 बच्चों का कानून बने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को हमारा नैतिक दबाव है और रहेगा कि वो 2 बच्चों का कानून बनाए ताकि इस देश का असंतुलन न बिगड़े। तिजारा के नवग्रह मंदिर में हुई मूर्ति चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अष्ट धातु की मूर्ति भी बरामद कर ली है। थाना अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि 5 फरवरी को रात्रि को यह चोरी की घटना हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने टपुकड़ा थाना क्षेत्र के चूहड़पुर निवासी असलम और अकबर को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। यह आरोपी फिलहाल अलवर जेल में बंद थे। तिजारा भिवाड़ी रोड पर स्थित जैन मंदिर से एक अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मुकदमे में 2 आरोपी असलम, जो कि ताउड़ू का रहने वाला है, और अकबर जो कि मूसाखेड़ा का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार किया जाकर असलम के कब्जे से जो मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी मूर्ति बरामद की गई है, और दोनों से अन्य वारदातों के बारे में अनुसंधान किया गया। सरिस्का वन क्षेत्र में स्थित पांडुपुल हनुमान मंदिर में गाइडलाइन की पालना जारी है। निगरानी के लिए यहाँ CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालना पर मंदिर महंत भी निगरानी रखे हुए हैं। गौरतलब है कोरोना के चलते पिछले वर्ष करीब 9 माह तक मंदिर के पट बंद रहे थे। नवंबर में मंदिर को दोबारा खोला गया था। सरकार के द्वारा जो भी
दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइन आई हुई है, उसका हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, जिससे आम यात्रियों को हम सारे जो भी दिशा निर्देश हैं वो देते हैं और देखते रहते हैं। डिस्टेंस का विशेष पालन किया जाता है और सारा जो भी है दवाइयों का छिड़काव वगैरह सारा चल ही रहा है। मास्क वगैरह का विशेष ध्यान रखवाते हैं, प्रत्येक यात्री को टोकते हैं, कहते हैं भाई सब लोग मास्क लगा के मंदिर में आओ और उसके बाद दर्शन करो। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। गढ़वी यादव को समेटे परिवार के पास वापस लौटी जिया पपला गुर्जर की हकीकत मालूम नहीं होने का किया दावा। हाई कोर्ट से जमानत के बाद अलवर जेल से मिली रिहाई। और वेतन नहीं मिलने के विरोध में संविदा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। सरकारी अस्पतालों में चरमराई सफाई व्यवस्था। कार में तोड़फोड़ कर युवाओं पर किया हमला। आपसी विवाद के चलते स्कीम दो में सामने आई घटना। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुए हमलावर। सेना भर्ती की प्रैक्टिस करने वाले युवाओं ने गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। राजऋषि कॉलेज ग्राउंड पर रोजाना लग रहा है जमावड़ा। सोशल डिस्टेंस और मास्क हुए नदारद। कोरोना कंट्रोल को लेकर प्रशासन की सख्त कार्यवाही से भड़के दुकानदार। सीज दुकानों को खोलने की उठाई मांग। मन्नीकब्बड़ पर बंद रखे गए प्रतिष्ठान। सिटी हलचल में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से देखते रहिए एसटीवी न्यूज।